माशाल्लाह ये गरीब नवाज फाउंडेशन की तरफ जानिब से आप देख सकते हो कि दीवान शाह दरगाह जो कि भिवंडी में मौजूद है, यहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा है। तो आइए हम लोग आज इनके जो फाउंडर है जनाब इमरान भाई शेख साहब से हम एक रूबरू होकर उनसे कुछ बातें करते हैं कि उनका मोटिव क्या है, उनका मकसद क्या है और वो मतलब उनका मोटिव क्या है। तो आइए एक बार उनसे ही मुखातिब होते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पर्पस क्या है इस ताल्लुक से। आइए तो हम इमरान भाई से बात करते हैं। जी हम इमरान भाई से बात करते हैं। इमरान भाई, आपका ये जो गरीब नवाज जो फाउंडेशन है इसके ताल्लुक से आप थोड़ा से हमें बताएंगे, मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह गरीब नवाज फाउंडेशन हमारा लगभग 5 साल से दरगाह पर काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ तारीख तामीराती काम प्लस लंगर हर महीने हम लोग छुट्टी में करते हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन सारे मेम्बर हैं इसमें और आप देख रहे हैं आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज भी लंगर रखने का रिवाज है। जी जी, तो बेसिकली गरीब नवाज फाउंडेशन जो है दरगाह की तामीरात में थोड़ा सा मदद करता है प्लस यहाँ पे लंगर वगैरह के इंतजाम। इमरान भाई, आप जरा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपका मोटिव क्या है, मतलब आप ये जो लंगर जो करवा रहे हो इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये कितने आदमियों के लिए करवाते हो और ये कब से करवा रहे? जैसे आपने बताया 5 साल में, ठीक है 5 साल से माशाल्लाह काफ़ी बड़ा अरसा होता है, तो 5 साल में कितनी मरतबा मतलब कब करवाते हो? क्या आप ये मतलब हर साल में एक बार करवाते हो या कुछ और, आप थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे? अलहमदिल्लास में हम लोग हर महीने गरीब नवाज की छुट्टी के दिन लंगर एक बेग करवाते हैं माशाल्लाह। और जो मुहर्रम के मौके पर फिर खाजा दीवान से उर्स के मौके पर और ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब जब मौके आते हैं और मोटिव असम भाई तो यही है सरकार दीवान से रमतुल्ला तला लंगर शुरू करके तो ये मौके से शुरू की है। हर रोज यहाँ पर लंगर हर रोज़ लंगर यहाँ होना चाहिए। लगभग 30 लोग अगर जुड़ जाए और हर एक बंदा एक दिन की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखेंगे गरीब यहाँ पर दीवान से रमतुल्ला तला हर रोज़ लंगर का इतना है इंशाल्लाह। ये गरीब नवाज फाउंडेशन का मोटिव है और इसीलिए हमने शुरू किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई, आप क्या बता सकते हो क्या आपके कमेटी में मतलब कितने मेंबर है या कितने लोग मिलके इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, मतलब आप लोग कितने लोग हैं? कितने लोग हैं इसमें तो सभी का रोल और बेसिक मेंबर हम लोग आज के बेसिक मेंबर हमेशा इसके इंतजाम लंगर के ये सारी चीज़ें बाकी तो लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह आगे देखेंगे इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे तो काफ़ी बड़ा काम होगा। इमरान भाई माशाल्लाह, आप ये बता सकते हो कि ये कितने आदमियों के लिए आप करते हो, मतलब कितने एक तादाद होगी कि एक 20-25 या 10-15? कितनी बरकत हो जाए जितनी लोगों को खिलाने की माशाल्लाह। इमरान भाई बहुत अच्छा लगा आपके काम को देखकर और इंशाल्लाह हम और आगे लोगों से भी गुजारिश करेंगे भिवंडी के लोगों से कि आपके साथ में जुड़ते जाए। मेरी एक गुजारिश होगी आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके अच्छे अच्छे लोग मेरी एक
गुजारिश होगी कि भाई गरीब आवास फाउंडेशन को ज्वाइन करो या न ज्वाइन करो, लेकिन होना चाहिए। हर रोज इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हर रोज यहाँ पर जी। माशाल्लाह इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग जो दीन के लिए जो काम करे और बिना कोई मतलब एक अपने पर्सनल मकसद को लेकर नहीं है, ये दीन के खातिर है। अल्लाह इसका आपको जजाय खैर अता फरमाए और अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। मैं भी आम जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके साथ में ये जुड़े और आपका साथ दे, इस नेक अंजाम को इसको आगे बढ़ाते चले। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।